हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग गाइस इस फोटो को एडिटिंग करने वाले हैं लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। और आज हम लोग गाइस इस फोटो को एडिट करने वाले हैं कुछ लाइट ब्राउन टोन इफेक्ट में। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। और तो हाँ गाइस, वीडियो के अंत तक बने रहना, तभी आपको समझ में आएगा। काफ़ी ईजी स्टेप्स में मैंने बताया है कि इस फोटो को कैसे एडिट करें। तो सबसे पहले तो आपको गाइस इस फोटो की बेसिक कलर करेक्शन कर लेनी होगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक सन जैसा आइकन दिख रहा होगा, तो सिंपल से गाइस इस वाले आइकन पर टैप कर देना है। और उसके बाद आपको कंट्रास्ट को बढ़ा देना है। तो गाइस मैं यहाँ पे कंट्रास्ट को रख रहा हूँ 28 और हाईलाइट्स को गाइस हम लोग माइनस की ओर लेके जाएंगे -21। और गाइस शैडो को हम लोग बढ़ा देंगे, तो मैं शैडो को यहाँ पर रख रहा हूँ गाइस 54। और गाइस इसका वाइट्स को हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तो मैं इसका वाइट्स को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ अराउंड 22। उसके बाद गाइस यहाँ से सिंपल से बैक आ जाएंगे। और उसके बाद गाइस आपको इस वाले टेम्परेचर वाले आइकन पे चले जाना है। और इसका गाइस हम लोग टैम को ना बढ़ा देंगे, टैम को रखेंगे गाइस हम लोग यहाँ पे 32। और टिंट को भी गाइस हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तो मैं टिंट को रख रहा हूँ 25। और वाइब्रेंस को हम लोग गाइस बढ़ा देंगे, तो वाइब्रेंस को मैं रख रहा हूँ 30। उसके बाद गाइस आप लोगों को इस वाले टूल पे चले जाना है। तो कलर मिक्सर टूल पे जाने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। तो सबसे पहले तो गाइस आपका फेस वाला जो कलर होता है ऑरेंज कलर, उस पर टैप कर देना है। और गाइस इसका सेचुरेशन को हम लोग गाइस माइनस की ओर लेके जाएंगे, तो मैं इसका सेचुरेशन रख रहा हूँ गाइस -46। और इसका लुमिनस को बढ़ा देंगे गाइस, तो लुमिनस को रख देंगे यहाँ पे 13। उसके बाद गाइस हम लोग नेक्स्ट कलर येलो पे टैप करेंगे। और इसका गाइस जो ह्यू है इसको हम लोग -100 कर देंगे। और सेचुरेशन को कर देंगे गाइस -50। और इसका गाइस लुमिनस को हम लोग माइनस की ओर रखेंगे -26। उसके बाद गाइस हम लोग नेक्स्ट कलर ग्रीन पे जाएंगे गाइस, और इसका ह्यू को कर देंगे -100। और इसका सेचुरेशन को भी कर देंगे गाइस -100। और इसका ह्यू कर देंगे गाइस -33। उसके बाद गाइस हम लोग नेक्स्ट कलर पे जाएंगे जो कि एक्वा। उसके बाद गाइस हम लोग इस वाले कलर पे आ जाएंगे एक्वा ब्लू, और इसका गाइस ह्यू को कर देंगे -100। और इसका सेचुरेशन को भी कर देंगे -100। और इसका लुमिनस को एडजस्ट करके देख लेंगे, तो मैं इसका लुमिनस को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ 10 के आसपास। उसके बाद गाइस आप लोगों को ब्लू वाले कलर पे चले जाना है। और इसका सेचुरेशन को गाइस हम लोग कर देंगे -100। और इसका ह्यू को कर देंगे -100। और इसका लुमिनस को गाइस एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। उसके बाद गाइस आपको सामने कुछ ये वाला डन वाला आइकन दिख रहा होगा, तो सिंपल से गाइस इसको डन कर देंगे। उसके बाद गाइस हम लोग गाइस इस फोटो को में करेंगे कलर ग्रेडिंग। तो उसके लिए गाइस आप लोगों को इस वाले टूल पे चले जाना है, और शैडो पे सिलेक्ट रखिएगा। बाय डिफॉल्ट फर्स्ट में शैडो ही रहेगा सिलेक्ट। उसके बाद गाइस आपको फिंगर से पकड़ के इसको ब्लू टोन की तरफ एडजस्ट कर लेना होगा कुछ इस टाइप की। और इसका गाइस ब्लेंडिंग को हम लोग थोड़ा सा कम कर देंगे, ब्लेंडिंग को 34 कर देंगे। और बैलेंस को गाइस थोड़ा सा बढ़ा देंगे 16। उसके बाद गाइस हम लोग सिंपल सी यहाँ पे डन कर देंगे। उसके बाद गाइस हम लोग नीचे जाएंगे इस वाले आइकन पे, और गाइस इसका टेक्सचर को बढ़ा देंगे 4 के आसपास। और क्लैरिटी को भी गाइस बढ़ा देंगे 6 के आसपास। और DH को थोड़ा सा बढ़ा देंगे गाइस 7। और बिगनेट को कर देंगे -24। उसके बाद गाइस नेक्स्ट वाले कलर इस वाले पे जाएंगे, और इसका शार्पनिंग को बढ़ा देंगे 20। डन गाइस, हमारी फ़ोटो एडिट हो चुकी है। बिफोर आफ्टर आप देख सकते हैं, बिफोर हमारी फ़ोटो कुछ इस टाइप की थी, और एडिटिंग के बाद कुछ इस टाइप की हो गई है। तो गाइस फ़ोटो को सेव करने के लिए आपको सिंपल से इस वाले आइकन पर टैप करना होगा शेयर वाले आइकन पर। और यहाँ पर आपको दिखेगा सेव कॉपी टू डिवाइस, तो सिंपल से गाइस इस पर टैप कर दीजिएगा, तो आपका फ़ोटो गाइस गैलरी में सेव हो जाएगा। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो सब्सक्राइब कर दे। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।